क्रिकेट फिक्सिंग का सबसे बड़ा बयान। अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, नरेंद्र मोदी और सीपी जोशी की देशभक्ति पर उठे सवाल। खातर अपने राष्ट्र के लिए ईमानदार हूं, मैं खुद को राष्ट्रभक्त समझता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता भक्त चरण दास ने साफ साफ पूछा, अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, नरेंद्र मोदी और सीपी जोशी बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन के इस्तीफे पर क्यों चुप हैं? कौन क्या है ये समझना चाहिए। ये आपने रेज किया सवाल, ये आपके डोमेन में है, आप क्या कर रहे हैं ये भी देश देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ ये भी देश देख रहा है। भक्त चरण दास ने संकेत दिया कि अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, नरेंद्र मोदी और सीपी जोशी का हित सामने आ गया है, इसलिए ये नेता चुप हैं। भक्त चरण दास ने कहा कि मैं कितना देशभक्त हूँ ये नहीं जानता, लेकिन सारा देश देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। कौन क्या है ये समझना चाहिए। ये आपने रेज किया सवाल, ये आपके डोमेन में है, आप क्या कर रहे हैं ये भी देश देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ ये भी देश देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, एन श्रीनिवासन कब देंगे पद से इस्तीफा? तो आईपीएल में फिक्सिंग के खुलासे के बाद पूरा देश बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन वो लोग खामोश हैं जिन पर श्रीनिवासन पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी है। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग से मचा है बवाल, लेकिन श्रीनिवासन की कुर्सी है बरकरार। क्यों खामोश हैं सभी श्रीनिवासन को लेकर? क्यों नहीं मांगता कोई श्रीनिवासन का इस्तीफा? अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, सीपी जोशी, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फारूख अब्दुल्ला, ये सभी सियासत के साथ साथ क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। देश के हर छोटे बड़े मसले पर ये बोलते रहते हैं, लेकिन आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग ने इनके मुंह पर ताला लगा दिया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। गुरुनाथ मैयप्पन का नाम आने के बाद भी इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का इस्तीफा मांग ले, उनसे जवाब तलब करे। अपने राष्ट्र के लिए ईमानदार हूं, मैं खुद को राष्ट्रभक्त समझता हूं। कौन क्या है ये समझना चाहिए। ये आपने रेज किया सवाल, ये आपके डोमेन में है, आप क्या कर रहे हैं ये भी देश देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं ये भी देश देख रहा है। क्यों खामोश हैं अरुण जेटली? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। सरकार को हर मुद्दे पर घेरने वाले जेटली श्रीनिवासन के मसले पर शायद इसलिए खामोश हैं कि वो जानते हैं कि बीसीसीआई चीफ की कुर्सी आने वाले दिनों में उन्हें ही मिलने वाली है। ऐसे में वो कुछ बोलकर क्यों उस कुर्सी से दूर हो? क्यों खामोश हैं राजीव शुक्ला? इस वक्त आईपीएल के सर्वे सर्वा राजीव शुक्ला ही हैं। सट्टेबाजी के आरोप में गुरुनाथ मैयप्पन का नाम आने के बाद इनकी ये जिम्मेदारी थी कि श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से सस्पेंड कर दें, लेकिन ये खामोश रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजीव शुक्ला सिर्फ इसलिए चुप हैं कि वो आईपीएल कमिश्नर की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते? क्या वो इस खौफ में हैं कि श्रीनिवासन के खिलाफ मुंह खोला तो बीसीसीआई से उनकी छुट्टी हो जाएगी? क्यों खामोश हैं सीपी जोशी? केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी भी आजकल चुप हैं। दरअसल आईपीएल 5 के दौरान हुई भुगतान में गड़बड़ी की जांच इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। उस मामले में सीपी जोशी पर भी आरोप लगे हैं। ऐसे में बीसीसीआई चीफ के खिलाफ जोशी कुछ भी बोलेंगे सवाल ही नहीं उठता। क्यों खामोश हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो बात बात पर दहाड़ने लगते हैं, लेकिन श्रीनिवासन के मुद्दे पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 30 सदस्यों वाली बीसीसीआई की कोर कमेटी में नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लेकिन जेटली को बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी मिलने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मोदी खामोश हैं। क्यों खामोश हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? मध्य प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया मजबूत कानून की बात करके डैमेज कंट्रोल की बात तो करते हैं, लेकिन श्रीनिवासन का इस्तीफा नहीं मांगते। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सहयोगी राजीव शुक्ला को नाराज नहीं करना चाहते। क्यों खामोश हैं फारूख अब्दुल्ला? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष इन सभी से एक कदम आगे हैं।
श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगने के बदले वो आजकल क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सट्टेबाजी वैध होगी तो फिक्सिंग नहीं होगी। नीलेश कुमार, इंडिया न्यूज। तो वाकई बड़ा सवाल कि बीसीसीआई से जुड़े और क्रिकेट से जुड़े तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस मामले पर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अगली